हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं ऑलरेडी आप लोगों को चार क्लासें प्रोवाइड करवा चुका। आज की हमारी है इस वन वर्ड पे पांचवी क्लास होने वाली है। देखिएगा दोस्तों, कितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक जगह कलेक्ट करके दिए हैं। इनको अगर आप बारी बारी से देखते रहेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। ठीक है, अपने को इस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करनी है, इस तरीके से अपनी ग्रामर को सॉलिड करना है कि ज़िंदगी में अगर कोई भी एग्ज़ाम हो और उस एग्ज़ाम के अंदर अगर हमारे ग्रामर या फिर हम ये कहें कि इंग्लिश का पेपर आता है तो उसके अंदर हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, थोड़ा सा जो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लाइन, वो देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स कंप्लीटली अलोन। याद करिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर आपको ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अगर कोई हिंदी ट्रांसलेशन करके दे देना तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर हिंदी ट्रांसलेटर भी आप ही होंगे और इसको समझना करना जो है वो भी आपका ही काम होगा। तो इसलिए यहीं से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप इसका ट्रांसलेशन करना सीख लें। क्या बोलता है, पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, वो व्यक्ति जिसको समाज से निकाल दिया गया हो, एंड लिव्स, हु हैज विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, जो सोसाइटी से निकल चुका हो, एंड लिव्स कंप्लीटली अलोन, और बिल्कुल एकदम से एकांत में रह रहा हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सोसाइटी से बाहर निकल गया हो और जो बिल्कुल एकांत में रह रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, साधु महात्मा। और साधु महात्मा को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हर्मिट। क्या बोलोगे, हर्मिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, मेल रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का एक मेल रूलर यानी कि पुरुष शासक है। यूजुअली इनहेरिटिंग द पोजिशन बाई राइट ऑफ ए बर्थ, जिसके पास जन्म से ही उस विरासत को लेने का अधिकार हो, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं किंग। ठीक है, कोई भी मेल रूलर जो किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का एक शासक होता है, जिसको जन्म से ही वो अधिकार मिला हुआ होता है, उसको क्या बोलोगे आप, किंग यानी कि राजा। नेक्स्ट है, स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन, किसी भी मरे हुए आदमी की आत्मा, अपीयरिंग टू समबडी हु इज स्टिल लिविंग, किसी जिंदा इंसान को दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भूत यानी कि गोस्ट। क्या बोलोगे, गोस्ट। डर मत जाना भाई, ऐसा होता नहीं है कुछ भी, ये तो केवल और केवल क्वेश्चन था। स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन अपीयरिंग टू समबडी हु इज स्टिल लिविंग, किसी जिंदा इंसान के सामने मरे हुए आदमी की आत्मा का आ जाना, अपीयरिंग या प्रकट हो जाना, उसको क्या बोलते हो, गोस्ट यानी कि भूत। नेक्स्ट है, रेगुलर पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ समथिंग, आप किसी चीज को यूज में ले रहे हो और उसको यूज लेने के बदले आप रेगुलर किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, रेंट। ठीक है, मान लो अपनी ये जो कोचिंग है, तो ये जो कोचिंग है, इस कोचिंग को अपन यूज में ले रहे हैं, इस बिल्डिंग को हम यूज में ले रहे हैं, तो इसका हर महीने क्या करते हैं, किराया देते हैं, तो वो क्या है, रेंट। नेक्स्ट क्या है, पर्सन लिविंग नेक्स्ट टू और नियर अनदर,
कोई भी व्यक्ति जो किसी के पास में रहता हो, तो पास में रहने वाला जो होता है वो कौन होता है? पड़ोसी, यानी कि नेबर। क्या होता है? नेबर। नेक्स्ट है, टू पीपल और थिंग्स दैट आर सीन टूगेदर, दो लोग या फिर दो वस्तुएं, दो चीजें जो पास पास हों या पास पास देखी जाती हों, एस्पेशियली ए मैन एंड ए वोमेन, खास तौर से एक आदमी और एक औरत, तो उनका जो जोड़ा होता है उस जोड़े को क्या बोलते हैं दोस्तों? कपल। क्या बोलते हैं? कपल। होल डग इन द ग्राउंड फॉर ए डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी के लिए, यानी कि मरे हुए आदमी को गाड़ने के लिए खोदा गया जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेव। क्या बोलते हैं? ग्रेव। और जिस जगह के ऊपर वो खोदा जाता है उस स्पेशल जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेव यार्ड, यानी कि कब्रिस्तान। और ग्रेव जो होती है वो क्या होती है? कब्र। नेक्स्ट है, अकाउंट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स या इंसिडेंट्स एटसेट्रा, बीती हुई जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का जो लेखा जोखा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोरी। क्या बोलते हैं? स्टोरी। बोलिएगा इतने सारे ये जो क्वेश्चन हैं ये समझ में आए या नहीं, और अगर आ गए हैं तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कैसे। हाँ जी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा? ए बिल्डिंग वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, वो बिल्डिंग या वो भवन, वो जगह, इमारत है जहाँ क्रिश्चियंस पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियंस जो पूजा करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? चर्च। क्या बोलते हो? चर्च। कल वाले वीडियो में बताया था ए बिल्डिंग वेयर मुस्लिम्स वर्शिप है तो उसको बोलते हैं मॉस्क्यू, मस्जिद, और ए बिल्डिंग वेयर हिंदूज वर्शिप्स तो उसको क्या बोलते हैं? टेंपल। ठीक है, तीनों चीज एक साथ करके याद रखना। नेक्स्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ सीन्स एंड फीलिंग्स अकरिंग इन द माइंड ड्यूरिंग ए स्लीप, यानी नींद के दौरान दिखने वाले जो सीन होते हैं उन सीन्स को क्या बोलते हैं हमें? ड्रीम, सपना। लेते हो ना आप रात में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रीम। नेक्स्ट क्या है? ब्रीथ समथिंग इन है इनसाइड, किसी चीज को अंदर निगलना, तो अंदर निगलने को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल। नेक्स्ट क्या है? साइन दैट समथिंग गुड और बैड विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ अच्छा या बुरा होने का जो संकेत मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ओमेन। क्या बोलते हैं? ओ एम ई एन, ओमेन। नेक्स्ट क्या है? मेक समथिंग जनरली और पब्लिकली नोन, किसी चीज को पब्लिक के लिए जानने के लिए तैयार करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्टाइज। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइज। नेक्स्ट है, पर्सन स्पेशली ए पुलिस ऑफिसर, वो व्यक्ति जो खास तौर से एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हो, हुज जॉब इज टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम्स, जिसकी जॉब है, जिसका काम है वो किसी चीज का या किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेट करना और उसका सॉल्यूशन करना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। ठीक है, जासूस। नेक्स्ट क्या है? ऑफेंस फॉर विच वन मे बी पनिश्ड बाई लॉ, वो कार्य या वो कारनामा जिसके लिए किसी व्यक्ति को कानूनन सजा मिल सकती है उसको क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्राइम। नेक्स्ट है,
पब्लिक प्लेस वेयर मील्स कैन बी बॉट एंड ईटन, वो पब्लिक प्लेस है जहाँ खाना खरीदा जा सकता है और खाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। बोलिएगा दोस्तों, ये इतने सारे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको समझ में आए कि नहीं? और अगर समझ में आए हैं तो नेक्स्ट देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? एरिया और फील्ड ऑफ ग्रासलैंड, ऐसा एरिया ऐसी फील्ड जो घास वाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडोज, MEADOW, मीडो। ठीक है, मीडो का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ ए न्यूज, तो शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ न्यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुलेटिन। क्या बोलते हैं? बुलेटिन। नेक्स्ट क्या है? पर्सन गिव्स अथॉरिटी ओवर ए ग्रुप ऑफ ए टीम, एक टीम के ऊपर जो अथॉरिटी जिसके हाथ में होती है उस पर्सन को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैप्टन। क्या बोलोगे? कैप्टन। नेक्स्ट है, टू व्हील्ड व्हीकल ऑन विच ए पर्सन राइड्स यूजिंग पैडल्स टू ड्राइव इट, टू व्हील्स व्हीकल यानी कि दो टायरों वाला कोई व्हीकल है जिसको ऊपर बैठ करके आदमी पेडल मार करके चलाता है तो उसको क्या बोलोगे? बाईसाइकिल। क्या बोलोगे दोस्तों? बाईसाइकिल। नेक्स्ट क्या है? समवन हु स्टडीज एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ नॉलेज ऑफ बिलीव्स, वो व्यक्ति जो अध्ययन करता है और कोशिश करता है किसको एक्सप्लेन करने की? मीनिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन का रहस्य बताने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलोसोफर। क्या बोलोगे दोस्तों? फिलोसोफर। नेक्स्ट क्या है? केमिकल्स फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज में आने वाला केमिकल है क्या कहलाता है? पेस्टिसाइड्स। क्या बोलेंगे उसको? पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट है, समवन हु सेल्स फूड एंड अदर गुड्स फॉर द होम्स, वो व्यक्ति जो घरों के लिए सामान और भोजन बेचता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोसर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रोसर यानी पंसारी। नेक्स्ट क्या है? समथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ऐसी कोई बात है जिसको आप समझ ना पाए उसको क्या कहेंगे आप? हैं पजल। क्या बोलोगे? पजल्स। नेक्स्ट है, मेटल रिंग्स पुट राउंड प्रिजनर्स रिस्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम रनिंग अवे, किसी प्रिजनर को भागने से बचाने के लिए ताकि वो भाग ना जाए इसके लिए उसके हाथों में डाली जाने वाली मेटल रिंग्स को क्या कहते हैं? हथकड़ी यानी कि हैंडकफ्स। हैंड कफ्स क्या होते हैं? ये हथकड़ी। तो बोलिएगा दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर है आप लोगों को मैंने 25 ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करवाए, आपको समझ में आए या नहीं आए? आज वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़े से हार्ड जरूर हैं, पहले मैंने 3-4 क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन कराए वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज वाली क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। मैं वादे से कहता हूँ दोस्तों, एक बार या दो बार इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, कहीं से भी कोई आपके क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड का, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों
आगे सफल अगर हमें होना है तो कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि बिना मेहनत के तख्तो ताजे नहीं मिलते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी से अगर ये मेरे साथ में मेहनत करने की आदत डाल लेंगे तो अच्छा होगा, आप लोगों का भी भला और आपके घर वालों का, आपके चाहने वालों का भी भला। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ऐसे मेरे बहन भाई जो इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर है, यानी कि ये LLTC जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।